हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आपको 86 रिले, इसको मास्टर ट्रिप रिले भी कहते हैं, 86 रिले भी कहते हैं और इसको आप लॉकआउट रिले भी बोलते हैं। कि 86 रिले क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है और ये ऑपरेट कब होती है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इसकी वायरिंग के बारे में, यानी कि किस टर्मिनल पे कौन सी वायरिंग की जाती है, इसका एनएनसी टर्मिनल कौन सा होता है, इसकी कोयल की वायरिंग कोयल टर्मिनल कौन सा होते हैं, पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। जो रिले है हमारी, यह है एलेस्टोम की है, एलेस्टोम जी। एलेस्टोम जी की VAJS 23, इसके दो मॉडल आते हैं, VAJS 23 एंड VAJS 13। यानी जो 13 वाली होती है उसमें सिंगल कॉइल होती है और जो 23 उसमें दो कॉइल होती हैं, यानी इसमें कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, जो हमारे एनएनसी कॉन्टेक्ट हैं डबल हो जाता है, इसमें आधे रहते हैं। देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर किया जाता है। 1 3 जो VAJ 13 होती है इसमें 4 कॉन्टेक्ट होते हैं, इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 1 3 NC या 3 NO 1 NC या 2 NO 2 NC, इस जिस जिस जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे VJS 23 के भी कॉन्टैक्ट चेंज और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो आते हैं, जो कॉन्टैक्ट आते हैं वो 2 NO 2 NC के आते हैं इस वाली में 13 में, और इसमें 4 NO 4 NC के कॉन्टैक्ट आते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसके NONC चेंज करवा करके ऑर्डर हिसाब से कर सकते हैं। रिले का मॉडल, मॉडल नंबर के हिसाब से इसके कॉन्टैक्ट पहले से ही डिफाइन रहते हैं, उस हिसाब से आप मॉडल ऑर्डर करके रिले को मंगा सकते हैं। जो देख सकते हैं 86 रिले जो होती है वो ऑपरेट होती है हमारी प्रोटेक्शन रिले से, जैसे कि हमारी न्यूमेरिकल रिले होती है या हमारी ब्रेकर की रिले होती है, उससे हम इसको ऑपरेट कर देते हैं। इसे ऑपरेट होने के बाद इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो चेंजओवर हो जाते हैं और इसको मैनुअली रिसेट करना होता है, यानी हैंड रिसेटेड होती है, यानी लॉकआउट, जैसे कि इसे बोले थे लॉकआउट रिले, यानी इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं लॉक हो जाते हैं, उसको मैनुअली हमको रिसेट करना होता है। मैं आपको VAJS 23 और 13 के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसको ऑपरेट करने के लिए जो 86 रिले ऑपरेट होती है वो या तो ओवर करंट से ऑपरेट हो जाती है, अंडर करंट से भी ऑपरेट होती है, यानी करंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रोटेक्शन होती है उस पर हमारी 86 रिले ऑपरेट होती है। कभी कभी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज वोल्टेज पर भी हम 86 रिले को ऑपरेट कर देते हैं, यानी कि अंडर वोल्टेज पर भी हम इसको ऑपरेट कर देते हैं, ओवर वोल्टेज पर भी इसको ऑपरेट कर देते हैं, थर्मल ओवरलोड पे भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यानी करंट और वोल्टेज से रिलेटेड जितनी भी प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन जितनी भी होती है हमारे रिले के अंदर, उससे हम 86 रिले को ऑपरेट कर सकते हैं। 86 की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये एक हाई स्पीड ट्रिपिंग होती है इसके अंदर और फास्ट ऑपरेशन होता है, बहुत ज़बरदस्त इसका आइसोलेशन, यानी जो हमारा जो फॉल्ट होता है उसको आइसोलेट कर देता है तुरंत। यानी जैसे हमारी 86 कॉन्टैक्ट हम यूज करके रखते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट होता है और ये हमारा ट्रिपिंग कोयल को जाता है, ये ट्रिपिंग कोयल को जाता है, एनसी होगा तो तुरंत हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। बहुत हाई स्पीड पर ट्रिपिंग होती है जिससे हमारा जो आगे कंपोनेंट लगे होते हैं शॉर्ट सर्किट के कारण वो सभी बच जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं इसमें मेक एंड ब्रेक जो कॉन्टैक्ट हैं वो बड़ी फास्ट बनते हैं और इसके जो स्पेयर कॉन्टैक्ट हैं उनको हम फीडबैक में यूज कर सकते हैं। उसमें काफ़ी स्पेयर कॉन्टैक्ट आते हैं, यानी हम स्काडा में PLC में लाइटिंग वाइटिंग पे जहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट यूज करने हैं, काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट इसमें होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये प्रोटेक्शन रिले के, तो हमारी 86 रिले ऑपरेट हो जाती है। अब मैं आपको इसकी वायरिंग की डिटेल के बारे में बता देता हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे कैसे की जाती है। मैंने यहाँ पे 86 रिले को ड्रॉ किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें यदि हमारी VAJ 13 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था VAJH 13, तो उसमें सिंगल कॉइल होती है, और यदि VAJ 23 हो जाती है तो उसमें दो कॉइल हो जाती है। इसका वर्किंग सेम ही रहता है चाहे सिंगल कॉइल की हो चाहे डबल कॉइल की हो। देख सकते हैं जो इसका ये मैंने बनाया हुआ, ये हमारा फेज आता है यहाँ से, फेज के बाद ये हमारा प्रोटेक्शन रिले जो होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था लास्ट वाली में, ये प्रोटेक्शन रिले होती है। आप देख सकते हैं मैं इसके आपको साइड में इमेज भी लगा के दिखा दूंगा कि किस तरीके की ये वाली हमारी जो VAJ 23 है ये रिले कैसी दिखने में कैसी होती है। एलेस्टोम की जो रिले होती है ये एलेस्टोम जी, अभी जी की हो गई है, एलेस्टोम के तो नाम से आती भी नहीं है, जी के ही नाम से आती है, जी के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको। देख सकते हैं इसका जो कॉइल, ये हमारी प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट होती है, तो इसके 9, 10 और 11, 12 पे इसकी जो सप्लाई होती है, जो 10 और 12 होता है ये न्यूट्रल होता है, ये AC और DC दोनों में, ये AC या DC दोनों के लिए
अवेलेबल रहता है। यानी आप इसमें एसी या डीसी कोई भी सप्लाई दे सकते हैं, दोनों पे ऑपरेटेड होती है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर किया जाता है। देख सकते हैं अभी मैंने ये एसी के हिसाब से बनाई हुई, यानी मैंने वोल्टेज यहाँ पे एसी दिया हुआ है। ये एसी है, एसी का फेज, और ये एसी का न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल हमारा यहाँ पे कॉमन हो गया है। ये लगा है हमारा 10 और 12 पे, यानी 10 और 12 पे न्यूट्रल हमारा यहाँ पे कॉमन लगा है। इधर से जो है ये फेज आया, प्रोडक्शन रिले जो हमारी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, ये ओवर करंट, थर्मल यानी करंट से रिलेटेड जितनी भी प्रोटेक्शन होती है, और वोल्टेज से रिलेटेड जितनी भी करंट प्रोटेक्शन होती है, ओवरलोड या थर्मल प्रोटेक्शन या शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड जितनी, मतलब कि जितनी भी करंट से रिलेटेड प्रोटेक्शन होगी, एनसी बन जाएगा। एनसी बनेगा तो हमारी दोनों कॉन्टेक्ट कॉइल पिक हो जाएगी। कॉइल पिक होगी तो ये रिले के टर्मिनल हैं, जो रिले पे टर्मिनल दिए होते हैं वो कॉन्टेक्ट हैं। जैसे कि देख सकते हो 1 एंड 2 हमारा ये एनसी होता है, ऐसे 3 एंड 4 ये एनसी होता है, 5 एंड 6 एनओ होता है, ऐसे 7 8 जो टर्मिनल होता है वो एनओ होता है। जब ये कॉइल पिक हो जाएगी तो ये एनसी से एनओ हो जाएगा, ये एनओ हो जाएगा, और ये एनसी बन जाएगा, एनसी बन जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि ये फीडबैक हमारी स्काडा में जाएगी कि हमारी 86 रिले ऑपरेटेड ऑपरेट हो गई है, तो वहाँ पे फीडबैक जाएगी कि कुछ फॉल्ट हुआ है, तो वहाँ से एक अलार्म जाएगा स्काडा में या पीएलसी में, और या आपका अनाउंसमीटर में जाता है फीडबैक जाएगा, ये एनओ यूज करते हैं, अनाउंसमेंट जाएगा वहाँ पे कि फॉल्ट हुआ है, तो उस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए वहाँ से कोई भी बंदा आ जाएगा और देखेगा कि फॉल्ट क्या हुआ है, तो फॉल्ट को क्लियर इस तरीके से किया जाता है। इसी प्रकार सर्किट में हम जो हमारा ब्रेकर क्लोज करने के लिए वहाँ पे एनसी का कॉन्टैक्ट यूज किया जाता है, कि जब भी इसमें कोई फॉल्ट होगा तो ये हमारा एनओ हो जाएगा, और जब हम ब्रेकर को या किसी भी सर्किट में जहाँ पे हमने यूज किया है एनसी कमांड देंगे तो ये एनओ बना हुआ है, तो ब्रेकर ब्रेकर हमारा क्लोज नहीं होगा, और ट्रिपिंग में एनओ कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। जैसे ये एनओ हो जाएगा तो हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये फेज आता है, और ये हमारा 86 रिले का कॉन्टैक्ट होता है। मैंने इसका वो सर्किट बनाया हुआ है ब्रेकर के अंदर, आप ब्रेकर की जो एसीबी की मैंने वीडियो बनाई है उसमें आप ही जा करके देख सकते हैं। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, वहां से आप ब्रेकर की जो हमारा एसीबी की वायरिंग की रिले है मैंने पूरी कंप्लीट बनाई हुई, वहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने 86 रिले को कैसे यूज किया हुआ है। फिर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसे यहाँ पे ये न्यूट्रल होता है, ये कॉन्टैक्ट बनेगा तो ये हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देती है। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं 13 14 एनसी होता है, 15 16 हमारा एनसी होता है, 17 18 यानी आप 17 18 पे एनओ के यहाँ से इसके टर्मिनल जो रिले के होते हैं इस पे वायरिंग कनेक्शन करके एनओ का सर्किट टर्मिनल यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार 19 20 एनओ होता है, उसको आप एज एनओ यूज कर सकते हैं। जो है हमारी लॉकआउट रिले 86 जो रिले है, यानी कि मास्टर ट्रिप जो रिले है, उसकी वायरिंग का डिटेल पूरा बनाया हुआ है। इसके हिसाब से यदि आप इसके अकॉर्डिंग अपने जो सर्किट का कनेक्शन करेंगे तो बिल्कुल सही सही हो जाएंगे, और आपको किसी भी परेशानी या प्रॉब्लम सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरा पूरा सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं जो रिले का मैंने डायग्राम बनाया, ये VAJH23ZG600 4ABA वाला मॉडल है। देख सकते हैं मैंने इसका साइड में एक फोटो भी लगाया हुआ है, आप उससे भी मैच कर सकते हैं, जो मैंने मॉडल नंबर लिखा है उसी मॉडल के अकॉर्डिंग ये लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।